अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस इंसान से अपने दीन की खिदमत का काम लेना चाहता है, आगाजी उम्र से ही उसे लुत्फे तबा, ज़ेनी बुलंदी और बुलंद नजर अता फरमा देता है। यही मामला मौलाना सैयद अबू अल आला मौदूदी का है। आप 25 सितंबर 1903 को हैदराबाद दक्कन के शहर औरंगाबाद में सैयद अहमद हसन के घर पैदा हुए। आपकी जामे कमालात शख्सियत, पुरसोज तहरीरों और जज्बांगेज तकरीरों से दिलो जिगर पिघलते गए। आपने 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद रखी। मौलाना मौदूदी की शोरा फाक तफसीर कुरान और 120 तसनीफ ने इल्मी मैदान में ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि आपके मुखालफीन भी आपकी अजमत के कायल हो गए। एक तबका वो है जिन्होंने अपने तासुब की बिना पर इल्जामात लगाए, उन्होंने मुमकिन है कि पढ़ा भी हो लेकिन उसको दूसरे तरीके से उन्होंने सियाक व सिबाक से अलग करके और दूसरे माना पहनाने की कोशिश की है। मौलाना मौदूदी को कादियानी मसला के मुतल्लक किताब लिखने पर 1953 में सजाए मौत का हुक्म दिया गया, मगर उस वक्त की हुकूमत ने आलमी दबाव के बहस उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी। बाद में उन्हें एक साल बाद रिहा कर दिया गया। जब सजाए मौत दी तो उन्होंने ये कहा कि मौत के फैसले अल्लाह ताला के यहाँ होते हैं, आसमानों पर होते हैं, जमीन पर नहीं होते। अगर अल्लाह ताला ने मेरी मौत लिखी है तो ये शहादत की मौत है, इससे ज़्यादा मुझे लिए मेरे लिए शर्फ की और कोई बात नहीं हो सकती। और अगर उन्होंने अल्लाह ताला के हाँ मेरी मौत का फैसला अभी नहीं हुआ तो ये उल्टे लटक जाए, मुझे लटका नहीं सकते। सैयद मौदूदी के नजरिए को परवान चढ़ाने के लिए जमात इस्लामी के जेर तमाम मुख्तलिफ इदारे और तंजीमी काम कर रही है, जिसकी झलक हर शोबाह जिंदगी में देखी जा सकती है। फहमे दीन के हवाले से एक नुमाया हैसियत उनको पूरे आलम इस्लाम में उस वक्त भी हासिल थी और आज भी है, इसलिए कि आलम इस्लाम में उनके अलावा कोई और शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी किताबों का 75 जबानों के अंदर तर्जुमा हुआ हो। और ये तर्जुमा करके लोगों ने लाइब्रेरी में किताबें नहीं रखी हैं बल्कि पूरे माशरे में उन किताबों की लिटरेचर की बुनियाद पर एक तहरुक, एक सरगर्मी, एक पुरजोश नज़रिए को अपनाने की सूरत में एक कैरेक्टर है कि जो सामने आया है। सोशलिज्म, कम्युनिज्म और सरमायादाराना निजाम के मुकाबले में इनकलाब मुस्तफ़वी और मुहम्मदी मुआशरे के क्याम के लिए नज़रिया देने वाली अजीम शख्सियत 22 सितंबर 1979 को खालिक़े हकीकी से जा मिली। उनकी गैबाना नमाज जनाजा सातों बड़े आजमों में बयक वक्त अदा की गयी। कुरान सुन्नत की दावत लेकर उठो और पूरी दुनिया पर छा जाओ, ये नजरिया है इस अहले कब्र का जिसे दुनिया सैयद अबू अल आला मौदूदी के नाम से जानती है। कैमरामैन अब्बास पट्टी के साथ मलकर्शिद आसम, वक्त न्यूज, लाहौर।